वोटिंग करने आए युवक ने ईवीएम में लगाई आग। ईवीएम पर फूटा मतदाता का गुस्सा। ईवीएम पर जनता को भरोसा नहीं। हैरान करने वाली ये तस्वीरें महाराष्ट्र के सोलापुर के सांगोला से आई हैं। आप देख सकते हैं कि कैसे ईवीएम मशीनों में आग लगी हुई है। वीडियो में आप देख सकते हैं कि कैसे एक शख्स पानी के जरिए ईवीएम में लगी आग बुझाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन पानी डालने के बाद भी आग बुझी नहीं, बल्कि ईवीएम धो धो कर जलती रही। आग नहीं बुझी तो इस शख्स ने कपड़े को पानी में भिगोया और वो ईवीएम मशीनों पर गीले कपड़े को डालकर आग बुझाने की कोशिश करने लगा। काफी मशक्कत के बाद ये शख्स ईवीएम में लगी आग को बुझाने में कामयाब हो सका। लेकिन आप देख सकते हैं कि सागजनी के बाद मतदान केंद्र में अफरा तफरी मच गई। थोड़ी देर पहले जहां लोग अपना वोट डालने के लिए आ रहे थे, अब वहां सिर्फ धुआं ही धुआं दिखाई दे रहा था। सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। आवाज इंडिया की ओर से शेयर किए गए इस वीडियो में बताया गया कि ये वीडियो सोलापुर जिले के सांगोला तहसील के बागलवाड़ी का है। इस घटना के बाद मतदान केंद्र में वोटिंग कुछ समय के लिए प्रभावित हो गई, लेकिन बाद में नई ईवीएम मशीन लाकर फिर से वोटिंग प्रक्रिया चालू करवाई गई। ईवीएम मशीनों में आग लगाने वाले लड़के को पुलिस हिरासत में ले लिया गया। हालांकि अभी ये साफ नहीं हो पाया कि आरोपी ने ईवीएम मशीनों में आग क्यों लगाई, लेकिन सूत्रों के मुताबिक ये कहा जा रहा है कि आरोपी युवक ईवीएम में गड़बड़ी की खबरों से नाराज था और उसे लगता था कि ईवीएम के जरिए वोटों की चोरी होती है, इसलिए उसने ईवीएम मशीन में ही आग लगा दी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस आगजनी में दो ईवीएम मशीन और उसके साथ इस्तेमाल होने वाले टेक्निकल इक्विपमेंट जल गए हैं। ये घटना आज दोपहर 3 बजे की बताई जा रही है। इस बारे में आपका क्या कहना है? क्या आप ईवीएम पर भरोसा करते हैं या आपको भी लगता है कि ईवीएम में गड़बड़ी होती है? आप अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें। आपसे अपील है कि वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल द न्यूज बीट को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो के अंत में आपसे एक छोटी सी अपील। साथियों, अगर आपको द न्यूज बीट का काम पसंद है और आप चाहते हैं कि हम यूं ही अम्बेडकरवादी पत्रकारिता करते रहें, तो हमारी आर्थिक मदद जरूर करें। आप अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे इस QR कोड को स्कैन करें और न्यूज बीट फाउंडेशन के खाते में अपनी दान की राशि भेजें। QR कोड के अलावा आप UPI के जरिए भी मदद कर सकते हैं। आप हमारी UPI ID newsbeak@yesbank पर भी मदद भेज सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे अकाउंट में भी मदद भेज सकते हैं। खाते का नाम है न्यूज बीक फाउंडेशन, अकाउंट नंबर है 02358700000640, IFSC कोड है SB000235, बैंक का नाम यस बैंक है और ब्रांच है नेहरू पैलेस दिल्ली। आप डोनेशन के एवज में इनकम टैक्स में भी छूट पा सकते हैं। डोनेशन की रसीद पाने के लिए ट्रांजैक्शन का स्क्रीनशॉट हमें भेजें। टाइप करें डोनेशन स्पेस आपका नाम और हमें 8595794224 पर व्हाट्सएप करें।